Hello friends, and welcome back. आज हम आपको ले चल रहे हैं पोखरी लेक, जो कि बक्सा टाइगर रिजर्व के जयंती फॉरेस्ट रेंज में पोखरी हिल पर है. सो लेट्स गो. पोखरी लेक तक पहुंचने के लिए आधा रास्ता आपको जीप या कार में पूरा करना होगा एंड आधा ट्रेक करते हुए पोखरी हिल पर चढ़ना होगा. हम पहुंच चुके हैं पोखरी हिल. अब यहां से लेक तक जाने के लिए पैदल फॉरेस्ट के बीच में से ऊपर तक जाना होगा. एक जो सबसे जरूरी बात है कि ये जंगल है एंड यहाँ बहुत से एनिमल्स हैं, तो एक गाइड लेना आपको बहुत जरूरी है. जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे, जंगल का नजारा और भी ब्यूटीफुल होता जाएगा एंड आप बीच बीच पे रुककर इस खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं. इन उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए नेचर को इतने पास से फील करने का एक्सपीरियंस ही अलग है. ये है पोखरी लेक एंड इसका मेन अट्रैक्शन है ये लार्ज साइज कैटफिश. इन मछलियों को खिलाने के लिए आप सोयाबीन एंड पफ्ड राइस नीचे से लेते हुए ऊपर आ सकते हैं. यह लेक नेचुरल है एंड ये कभी ड्राई नहीं होता एंड साल के हर वक्त यहाँ पानी होता है. यहाँ फिशिंग करना भी मना है. इस लेक में कैटफिश के अलावा आप टर्टल्स भी देख सकते हैं, जो कि घूमने आए लोगों के द्वारा दिए गए मूढ़ी या पफ्ड राइस खाने के लिए ऊपर आते हैं. इन कैटफिश एंड टर्टल्स को देखते हुए यहाँ समय कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा. यहाँ के लोकल लोग इस लेक की पूजा करते हैं एंड इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं. তার মধ্যে এখানে ১২টা রেঞ্জ আছে, তার মধ্যে জয়ন্তী একটা মেইন রেঞ্জ. জয়ন্তীতেই শুধুমাত্র এই জঙ্গল সাফারি হয়। আর বার্ডস বলতে আমাদের এখানে ৩৫০+ স্পেসিস বার্ডস পাওয়া যায়। আর জয়ন্তীকে মেইনলি বাটারফ্লাইয়ের গার্ডেন বলা হয়,
যার জন্য মানে এখানে জয়ন্তীতে টোটাল 450 প্লাস স্পেসিস বাটারফ্লাই পাওয়া যাচ্ছে। বাটারফ্লাই দেখতে কবে মানে বেস্ট টাইমটা কবে? বাটারফ্লাই দেখতে বেস্ট টাইম বাটারফ্লাই এর জন্য এই সময়গুলো বেস্ট হয়। অ্যাকচুয়ালি মহাকালের দিকটা যেটা বললাম, মহাকালের দিকটা গেলে প্রচুর বাটারফ্লাই পাওয়া যায়। অনেক রকম স্পেসিস আছে যেটা হয়তো পুরো ওয়ার্ল্ডে খুব কম পরিমাণে আছে, সেগুলো এখানে পাওয়া যায়। বাটারফ্লাই এর জন্য খুব বিখ্যাত আমাদের বক্সটা মেন জয়ন্তীটা, জয়ন্তী মহাকাল এরিয়া।